ये बात भी ठीक है कि नौकरी में कभी कभी व्यक्ति को लगता है कि उसकी उसकी जो मेरिट है या उसकी जो क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से उसको नौकरी नहीं मिली है। आवश्यकता हमें मानव ग्रुप डी के लेवल की नौकरी की है, लेकिन बेरोजगार हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएट बैठे हो तब भी आपको कोई ना कोई काम मिला हो, आप अपने आप को अंडर एम्प्लॉयड समझते हो तो भी अगर न से कुछ होना भला तो अगर आपकी नौकरी नहीं है आपको जो भी एक मिला है अवसर काम करने का उसमें आपको तुरंत आना चाहिए। हाँ, आगे बढ़ने के लिए सदैव रास्ते खुले हैं, ऐसा नहीं कि ये जो काम आपको मिला ये अंतिम काम है, ये तो क्षणिक आवश्यकता के हिसाब से थोड़े समय का काम है। आपको लगातार आगे भी अपने आप को बढ़ाने के लिए योग्यता के अनुसार या फिर योग्यता बढ़ाते रहने के लिए भी समय निकालना, अतिरिक्त पढ़ाई करना, अतिरिक्त अपने आप को कौशल विकास के लिए बहुत से अवसर मिलते हैं, उस कौशल यानी स्किलिंग के लिए आगे बढ़ाना और जहां भी कई अवसर मिले पक्की नौकरी प्राप्त करने के लिए उसका मौका चूकना नहीं चाहिए, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन में कोई नौकरी हो अथवा एचपीएससी में हो, अपनी योग्यता के हिसाब से लगातार उसके अंदर आगे बढ़ना चाहिए। आपकी मेरिट यदि कम है तो मेरिट बढ़ाने के लिए समय समय पर पढ़ाई करके परीक्षा बार बार जो आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसके माध्यम से आपको आगे बढ़ना चाहिए। हमने अभी ग्रुप सी के लिए जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कराया है बच्चों को 3.25 लाख ऐसे साथियों ने और ये टेस्ट पास किया है। इस वर्ष में उनमें से लगभग 35,000 नौजवान और ग्रुप सी में नौकरी के लिए और सिलेक्ट किए जाएंगे। इसके तुरंत बाद ग्रुप डी के लिए और सीईटी का जो टेस्ट होगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, उसमें भी जिनको उसमें नौकरी नहीं मिलती है ग्रुप सी में उनको डी में भी जाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आखिर न करने से कुछ करना भला होता है, उसमें लगना चाहिए। लेकिन मैं फिर कहूंगा अपनी योग्यता बढ़ाकर बार बार परीक्षा में जाकर के अपने आप को आगे बढ़ने का अवसर ये बहुत मिलता है, कहीं एक जगह रुकना नहीं है, चलते चले जाना है। हम अब नौकरी कर रहे हैं साथ में अपना कौशल को भी बढ़ा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि सरकारी नौकरी सबको प्राप्त हो, पक्की नौकरी अथवा कच्ची नौकरी हो सकता है दोनों में से कोई न मिले, ऐसे अपने साथियों को भी हम लोग को प्रेरित करना है कि अपने कौशल विकास के माध्यम से जो भी कोई साधन अपने को मिलते हैं उन साधनों से कोई ना कोई स्वरोजगार के नाते भी आगे हमको बढ़ना ये नहीं छोड़ना चाहिए। अपना उद्देश्य है हर किसी को रोजगार मिले, वो रोजगार स्वरोजगार भी हो सकता है, वो छोटा उद्योग भी हो सकता है, कोई घरेलू व्यवसाय के अंदर हम काम करके अपनी आय को बढ़ा सकते हैं, प्राइवेट नौकरी हो सकती है, सरकारी नौकरी हो सकती है, तो इस प्रकार के बहुत से अवसर हैं। अंतर्गत मैं यही कहूंगा कि प्रदेश के सब लोग रोजगार मिले, हर वर्ष लगभग 4,000 से नौजवान जो 18 वर्ष की आयु को पार करके आगे बढ़ते हैं, सब लोगों को कोई ना कोई काम मिले, चाहे वो अपने पारिवारिक काम में जुटे अथवा स्वरोजगार में जाए अथवा नौकरी में जाए, ऐसे सब कामों में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो जो बेरोजगारी का हर समय भूत खड़ा कर दिया जाता है इस बेरोजगारी के इस दायरे में से बाहर निकल करके रोजगार प्राप्त करने वाले बने। भारत सरकार ने बहुत सी ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जैसे स्टार्टअप योजना है, स्टैंडअप योजना है, बहुत से ऐसे अवसर भी प्रदान कराए हैं कि जो आज नौकरी के लिए भटक रहे हैं अच्छे अवसर मिलने के बाद वो लोग नौकरी लेने वाले नहीं बल्कि 10-10, 5-5 लोगों को नौकरी देने वाले भी बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर हम एक सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए बहुत से ऐसे अवसर आपको मिल रहे हैं इसको हम प्राप्त करें और ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरी आपकी मिली है मैं आशा करता हूँ कि इसमें से अपने अनुभव के आधार पर और आगे बढ़ने का भी रास्ता हमारा जो अनुभव है जो भी मिलेगा हमको जितने साल की हम नौकरी करेंगे सरकारी कच्ची नौकरी इसके बाद हर वर्ष का आधा अंक ये हमको हमारी मेरिट में भी जुड़ेगा, आगे जब कभी पक्की नौकरी में जाएंगे तो 5 अंक इन अनुभवों के लिए भी जोड़े जाते हैं, उस अनुभव और अपनी शिक्षा के आधार पर मैं अपनी मेरिट लिस्ट में कैसे आगे बढ़ूं इसका भी जरूर हम लोग ध्यान रखें। और हमारी आगे साथ साथ जो हमको ईपीएफ और ईएसआई का लाभ मिलता है, लेबर वेलफेयर फंड का लाभ मिलता है, इस लाभ को भी हम बराबर बनाए रखें, किसी भी स्थान पर हम नौकरी करने के लिए जाएं हमारा ईपीएफ और ईएसआई का सिलसिला ये लगातार चलता रहे, इसमें हमारी अपनी जो कंट्रीब्यूशन है वो भी होती रहे। इन नौकरियों के अंदर हमने भी ध्यान रखा है कि जो वर्ग कमजोर वर्ग है जिनके लिए रिजर्वेशन होती है ऐसी रिजर्वेशन की जो सीमा है अभी तक अनुभव ये आया है कि उस सीमा से भी अधिक बंधु इसमें नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। अगर 80% का रिजर्वेशन है तो हमारे आंकड़े के हिसाब से इनकी संख्या अभी जो भर्ती हुए 30.7% और 80 हमारे जो नौजवान साथी हैं उनको नौकरी मिली है, क्योंकि हमने इसमें आय जो कम आय के लोग हैं उनको प्राथमिकता दी है। आय की जो सीमा 1,80,000 रुपया गरीब परिवार के लिए रखी गई है, स्वाभाविक है कि गरीब परिवारों में ज्यादा संख्या या तो शेड्यूल कास्ट बच्चों की आती है या फिर बैकवर्ड क्लास ए के बच्चों की आती है, इसलिए उनकी संख्या उनका जो रिजर्वेशन का जो लेवल है उससे भी कहीं आगे ये बढ़ता है। तो मैं पुनः आप लोगों से इतनी बात करते हुए मैं आशा करूंगा कि आप जिस काम में लगे हैं उस काम में एक ईमानदारी से, क्योंकि हमारी जो नौकरी आपको दी गई है इसमें दो पहलू, एक पारदर्शिता का और एक ईमानदारी का,
जैसे मैंने पहले कहा कि पर्ची खर्ची अर्जी सब बंद है, तो आपको तो शायद किसी को आपने कहा भी नहीं होगा कि मुझे नौकरी चाहिए, घर बैठे आपको ये पत्र मिला होगा, संदेश मिला होगा, तो एचकेएम के माध्यम से आपको नौकरी दी जाती है। तो जिस शुचिता से, जिस अच्छे भाव से आपको नौकरी दी गई है, आप भी काम करने के लिए उसी भाव से आगे बढ़े कि हमको ईमानदारी से, पारदर्शिता से समाज की सेवा करने के लिए काम करना है। काम से जीत चुराना ये सजाए घातक होता है। आज से ही अपनी आदतें ठीक करेंगे कि क्यों ना कुछ व्यवस्था सरकारी तौर पर ऐसी करें जो भले ही अस्थायी नौकरी देने वाला सिस्टम हो, कुछ निश्चित समय के लिए देने वाला सिस्टम हो, तो भी हमारी देखरेख में चले, जिससे ऐसे सब कर्मचारियों का शोषण बंद हो, उनके होने वाली तकलीफ उसको दूर करें। और जो हमने सरकारी सिस्टम में किया है, खर्ची पर्ची अर्जी ये सब बंद किया जाए, सरकारी नौकरियों में तो हमने बहुत पहले से ही पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर नौकरी देनी शुरू कर दी थी, लेकिन ये ठेकेदारी प्रथा, इसमें लगातार एक फाइल बनी हुई थी। लेकिन आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमने ये जो नौकरियां भले अस्थायी दे रहे हैं, भले कम समय के लिए दे रहे हैं, जरूरतमंद लोगों को मिल रही है, पारदर्शिता से मिल रही है, और उसमें भी एक जो मेरिट का विशेष ध्यान रखा जाता है, ताकि जहां भी कहीं समय पर इन नौकरियों के लिए वर्कफोर्स की, लोगों के काम करने वाले लोगों की जरूरत पड़ती है, कम से कम समय में उनको उपलब्ध कराया जाता है। हमारी अन्य एजेंसी भी हैं, चाहे वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है या फिर HKSC है, वहां नौकरी का जो एक लंबा सिस्टम, विभागों को समय पर ऐसे लोग मिल नहीं पाते, तो HKRN जो हमने हरियाणा कौशल विकास निगम ये बनाया है, इस हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जब भी कोई मांग आती है तो कम से कम समय में उसको हम पूरा करते हैं। प्रारंभ में थोड़ी कठिनाइयां जरूर आई, लेकिन अब सारा सिस्टम बड़ा स्मूथ हो गया है, और इस स्मूथ सिस्टम में लगभग पिछले 2 महीने में जो प्रयोग के तौर पर प्रारंभिक चरण की नौकरियां थी, 3,227 नौकरियां ये हम दे चुके हैं। और इन 3,227 नौकरियों में जिन वर्गों को नौकरियां दी हैं, उसमें विशेष तौर पर पीजीटी अध्यापक ड्राइवर, आयुष, योग के जो सहायक हैं, योग सहायक, और फिर लाइनमैन, मुख्य रूप से इस प्रकार के लोगों की नौकरियां दी गई हैं। इसमें 4 लेवल बनाए गए हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, तो किसी प्रकार की जैसे डिमांड मिलती है इनको सबको ये पैसे मिलते हैं। HKRN में जो मासिक आय है उसको भी हमने रेगुलराइज किया है, स्टैंडर्डाइज किया है, और जो पहले DC रेट के हिसाब से कहीं कुछ पैसा मिलता था, कहीं कुछ पैसा मिलता था, अब उसके लेवल निश्चित कर दिए गए हैं। बहुत लोगों को जो पहले पैसा मिलता था उससे काफी बड़ी मात्रा में उनकी वृद्धि करके भी उनको पैसा मिला है। हमने जो